जबलपुर जिले में जमीन की फर्जी नामांतरण का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित का आरोप है कि उसकी जमीन की 3 बार फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी है और इस मामले को लेकर पीड़ित ने मार्च में एक आवेदन दिया था, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल टेमार भीता गोरा बाजार निवासी जसवीर विश्वकर्मा ने अपर कलेक्टर और गोरा बाजार चौकी में शिकायत कर फर्जी नामांतरण होने की बात कही है। पीड़ित का आरोप है कि जबलपुर से सटे टेमार भीता वाटर वर्क रोड में 1.25 एकड़ जमीन का फर्जी नामांतरण कर दिया गया है। इसी को लेकर पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। बुधवार को भी पीड़ित जुगल किशोर विश्वकर्मा ने अपर कलेक्टर और गौरा बाजार थाना प्रभारी को शिकायत सौंप कर नामांतरण पंजी की लिंक रजिस्ट्री की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जबलपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। 2024 में एक आवेदन दिया था, नामांकन पंजी फर्जी लगा के न्यायालय को गुमराह किया था, उसकी जांच हेतु उसके बाद 2024 में 3 लिंक रजिस्ट्री आई और उसके बाद से यहाँ से गायब भी हो गए। उसकी जांच हेतु गुहार है, न्याय की मांग। अभी जो बिंदु आपने मेरे सामने रखा है, इसके संबंध में गार्ड रूम ने जो पत्र थाना प्रभारी गोरा बाजार को लिखा था, उसकी एक कापी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 4/7/2024 को जो पत्र जारी हुआ है, उसके अनुसार वर्ष 1973-74 की नामांतर पंजी क्रमांक 146 रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध ना होने से इनको यह सूचित किया गया था कि उक्त रिकॉर्ड यहाँ कलेक्टर कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है। ये शिकायत की जाँच अभी पूर्ण नहीं हुई है। इनका न्यायालय में विवाद चल रहा था, जो ये चौधरी न्यायाधीश जो 30 आ गए, इनने आवेदक पक्ष को के पक्ष में जो है ये जुगल किशोर के पक्ष में निर्णय ना लेकर उनके पक्ष में दिया है। जो इसकी कापी हमने निकाल के रखा है, इसके अन्वेषण कर रहे हैं, इनकी अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन के बाद हम अभियोजन अधिकारी जो है अभियोजन उसके लिए अधिकारियों के पास भेजेंगे राय के लिए, इसके बाद हम आगे कार्रवाई के लिए।